कृष्णा, मॉर्निंग प्रभुपाद सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1966 न्यूयॉर्क, वी आर इन सो मेनी वेज इंडेटेड, आवर ऑब्लिगेशंस आर देयर, बट इफ वन सरेंडर्स फुल्ली अनटू कृष्णा देन ही इज नो लॉन्गर any more indebted to all these obligations. He is immune. At one stroke, he becomes liquidated from all obligation. Krishna is Mukund. Mukund means one who can offer you liberation from this material bondage. इसका हिंदी में अनुवाद है, हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस कोट में श्री प्रभुपाद हमारे ऊपर जो अनेकों आत्माओं के जीवात्माओं के ऋण हैं उनसे मुक्ति का साधन की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के 11th कैंटो में श्लोक है 5th चैप्टर में, देव ऋषि भूताप निनाम पितृनाम न किंकर्म नायम ऋणिम च राजन सर्व आत्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम। हमारे ऊपर किस किस के ऋण है इस श्लोक में बताया गया। देव ऋषि देवताओं के, पानी का देवता, सूर्य का देवता, हवा का देवता, ये सब इनसे हम ये सारी चीजें ले रहे हैं, इन सब के कंट्रोलर हैं वो, तो हम नेचुरली हमें इनको रीपे करना चाहिए, तो हम इनके ऋणी हैं। देव ऋषि, ऋषि मुनियों से हमें जीवन शैली पता लगता है, ज्ञान मिलता है, वो साहित्य हमें देते हैं, वैदिक साहित्य, उनके हम ऋणी हैं। देव ऋषि भूत आप भूत आप भूत भूत मतलब अदर लिविंग एंटिटीज, पेड़ पौधे इत्यादि, इनसे कितने फल लेते हैं, फूल लेते हैं, इनके भी हम ऋणी है। भूत आप्त, आपका मतलब है अपने हमारे संबंधी मित्र रिलेटिव्स, ये भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इनके ऋणी है। निर्णाम साधारण लोग, एक सोशल सिस्टम में हम बहुतों की सेवा लेते हैं, हमको ऋणी है। एंड पितृनाम, और हमारे जो पितर है, फोर फादर्स, इन सब के हम ऋणी है। देव ऋषि भूताप निनाम पितृनाम किंकरम ना ऋणिम ना अयम ऋणिम च राजन। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम्, लेकिन जो व्यक्ति सारे कार्यों को छोड़कर भगवान मुकुंद, रूपा जी बताते इज लिबरेटिंग, वो सबको मुक्ति देते हैं, हर प्रकार से ऋणों से भी वो मुक्ति देते हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले, मुकुंद की शरण ले, उनको समर्पण करें, तो इन सब के जो ऋण है, देव ऋषि भूता प्रणाम पितृनाम, इनसे हम तुरंत मुक्त हो जाते। ये सब के सब भगवान के सेवक है, उनके पार्ट एंड पार्सल है। जिस प्रकार यथा तरोर मूल निशेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजा उपशाखा प्राणो उपहारा चेथा इंद्रिया नाम तथा सर्वम अन्नम अच्युते च। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से उसके तना, शाखाएं, पत्ते, फूल सब हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, सबको नरिशमेंट मिल जाती है, और जिस प्रकार पेट में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं, पौष्टिक हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि के जड़ है, मूल है, अहम सर्वस्य प्रभो अतः सर्वम प्रवर्तते,
मैं सबका कारण मुझसे प्रकट होता है। यदि हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको समर्पण करते हैं, तो इन सब की, देवताओं की, ऋषियों की, साधारण प्राणियों की, वृक्षों की, संबंधियों की, पितरों की, सब की अपने आप इनके जो ऋण है उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो ऑब्लिगेशन से मुक्त होना, ग्रेटिट्यूड, टू एक्सप्रेस, टू बी ग्रेटफुल, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ये एक बहुत बड़ा भक्तों के लिए बहुत बड़ा गुण है। ये हर भक्त के अंदर इस गुण का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारी ह्यूमिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो अहंकारी है उस वास्ते मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ मैंने किया अपने आप अपने बल पर किया, why should I be obligated to anybody? मैं किसी के साथ अपना ग्रेटिट्यूड क्यों एक्सप्रेस करूं? ये उनकी भूल है। एक व्यक्ति था जो बड़ा बोस्ट किया करता था कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैं जो कुछ भी बना हूं, मैंने जो भी कमाया है, जो भी पोजीशन प्राप्त की है, मैंने अपने बल पर प्राप्त की। एक दिन उसका फ्रेंड आया, से बात करा, फ्रेंड से भी कहा कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन। उसका फ्रेंड कहता कि मैं सोचा करता था तेरे बारे में, अब मुझे समझ आया, क्योंकि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकता कि ऐसे व्यक्ति को बना, तू अपने आप बना है। सरकास्टिकली ही सेड कि अब मेरे को समझ आया, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था। अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। हमने किसी से उधार में कुछ आलू बुखारे ले लिए और समझे हमारे हैं, वी कैन नॉट बी प्राउड। हमें जो कुछ भी मिला है वो सारा कुछ हमने किसी ना किसी से और अंततः भगवान से प्राप्त किया है। हमारा क्रेडिट कुछ भी नहीं है। इवन भगवान जब वो यहाँ लीला करते हैं, वो भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये बात हमने एक दिन पहले भी बताई थी कि श्री राम जब राज दरबार में बैठे थे तो उन्होंने केवट की सेवा को याद किया। केवट ने उनसे कोई उतराई नहीं ली थी, कहा था कि जब आप राजा बनोगे तब जवाब दोगे, मैं ले लूंगा। श्री राम केवट को ढूंढते हैं उस सभा में। सीता जी पूछती है कि स्वामी आप किसे ढूंढ रहे हैं, सब लोग आपकी ओर निहार रहे हैं। राम ने कहा कि देवी तुम्हें याद है वो केवट? उसने कहा था कि जब तुम राजा बनोगे जो दोगे मैं ले लूंगा, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो नहीं आया था, लेकिन गुहे के हाथ भगवान श्री राम ने केवट के लिए अनेकों वस्त्र, उपहार, आभूषण भिजवाए, कृतज्ञता ज्ञापन। और श्री कृष्ण तो बड़े बोल्डली कहते हैं गोपियों से, गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। ये भी हमने बताया था, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म, वेद धर्म, अपना परिवार, समाज, सब कुछ त्याग दिया जब उन्हें रासलीला में बुलाया गया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण फेल्ट सो ऑब्लिगेटेड, कहते हैं कि यदि मुझे ब्रह्मा की आयु में ले लूं और जो मेरे पास है वो सारा कुछ तुम्हें देता रहूं, और भगवान के पास है क्या नहीं, उनके पास लौकिक और परलौकिक दोनों सारी संपत्तियां उन्हीं की है, कहते मैं सारा कुछ देता रहूं तो मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, तुम अपनी भक्ति से संतुष्ट रहो। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि हर साल नवद्वीप से 200-300 लोग बड़ा कष्ट सहकर, उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, उनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में आते थे और 4 महीने वहां रहते थे। जब वो जाते थे तो महाप्रभु उनसे कहते थे कि आप इतना कष्ट सहकर आते हो, यहाँ रहते हो, यहाँ कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेरी प्रसन्नता के लिए आप ये सब करते, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, एक ही शरीर है मेरा, तुम इसे जाओ जहां चाहे बेच सकते हो। टू दैट एक्सटेंट चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज डिवोटीज। तो ग्रेटिट्यूड हमारा जो है, जिसके भी प्रति है हम ऋणी हैं, उसे हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे रीपे करना चाहिए। श्री प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन
वो एक्सप्रेस करते कि मैं अपने शिष्यों का ऋणी हूँ, मुझे जो भी सफलता मिली है या मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है या मेरे शिष्यों की सहायता है, उनका समर्पण, उनका त्याग है, वो अपना ग्रेटिट्यूड शिष्यों के प्रति समर्पित करते। और एक बार शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद हाउ कैन वी रीपे यू, हम तुम्हारा ऋण कैसे उतार सकते हैं, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे, हम हिप्पीज थे, आपने हमें हिप्पी बना हैप्पी बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इफ यू वांट टू रीपे मी डू एज आई हैव डन, जैसे मैंने किया है अपने गुरु की आज्ञा मानकर प्रचार किया है सारे विश्व में, किसी को लिमिट नहीं है, कृष्ण का संदेश हर गांव और हर शहर में पहुंचना है, आप भी प्रीच करो, दिस इज ग्रेटिट्यूड। सुतीक्षण शिष्य थे अगस्त ऋषि के, बहुत अच्छी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जब जाने लगे तो गुरु ने कहा कि सुदीक्षण तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब तुम जाओ इसका वितरण करो सारे विश्व में, लोगों को भक्ति के बारे में बताओ। सुदीक्षण ने कहा, गुरु महाराज मैं अपनी आपकी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, कुछ मांगिए आप मुझसे। अगस्त ऋषि ने कहा कि सुदीक्षण जब तुम यहां थे तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अपना ऋण तुमने उतार दिया, अब कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगा, जिद करने लगा कि नहीं गुरुदेव कुछ तो मांगे अब गुरु दक्षिणा, उन्हें थोड़ा आवेश आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे सीताराम लक्ष्मण के दर्शन कराओ। सुदीक्षण नमस्कार करके प्रणाम करके चला गया और उसने भगवान श्री राम की भक्ति आरंभ कर दी, बड़ी तीव्र भक्ति आरंभ कर दी। वो समाधि लगाए बैठा रहता था और उसकी स्थिति ये हो गई कि अपने हृदय में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता उनके दर्शन करता था, बाह्य चेतना उसकी नहीं थी। तो जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी वनवास में जा रहे थे तो एक दिन वो सुदीक्षण की कुटिया पर पहुंचे, सुदीक्षण को कोई बोध नहीं है, वो अपने अंदर उनके दर्शन कर रहा है हृदय में। लक्ष्मण ने उन्हें छुआ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, श्री राम समझ गए। श्री राम ने अंदर वाले जो अपनी झांकी थी दर्शन थे वो लुप्त कर दिए, और जब उसे वो दर्शन नहीं होने लगे तो सुदीक्षण ने आंख खोली तो देखा कि जो अंदर थे वही बाहर है। बड़ा प्रसन्न हुआ, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा सुदीक्षण मेरे दर्शन खाली नहीं जाते, तो मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते। सुदीक्षण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके मैं दर्शन कर रहा हूं, आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा और क्या बचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको अच्छा लगे मांग दे दो। तो भगवान राम ने उन्हें अविरल निरंतर भक्ति उनके चरणों में रति बनी रहे वो प्रदान की, बिना मांगे भक्ति श्री राम ने या तो केवट को दी है या सुदीक्षण को दी, दोनों की लगन से प्रसन्न हो। फिर सुदीक्षण ने कहा कि भगवान ये तो आपने अपने इच्छा से दे दिया, मेरी एक प्रार्थना है, क्या है, कि मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं और आप मेरे गुरु महाराज को दर्शन दीजिए। अगस्त मुनि के साथ पास चलिए, तो वो उनको लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में आया और कहा कि आप यहाँ रुकिए, मैं गुरुदेव को संदेश देता हूँ। गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव आपकी गुरु दक्षिणा द्वार पर खड़ी है, सुदीक्षण दौड़ते हुए अगस्त ऋषि दौड़ते हुए आए, जैसे उन्होंने देखा सीताराम लक्ष्मण को उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और श्री राम लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। तो अगस्त ऋषि ने उन्हें आलिंगन किया। तो ये जो ऋण गुरु दक्षिणा सुदीक्षण ने चुकाई, इस प्रकार हमें अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बताया कि जो कृतज्ञता है, टू बी ग्रेटफुल, टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड, ये भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण है।
नेचुरल जो जिनके हम ऋणी है, देव ऋषि भूता अपने नाम पितृनाम, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनकी सेवा करके उनकी भक्ति करके, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया मुकुंद भगवान की शरण लेकर हम इनके ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे साधारण डीलिंग में जिन व्यक्तियों से हमें कुछ मिलता है उनका हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। Thank you is a very good word in English language. किसी से हम कुछ लेते हैं तो कम से कम उसको thank you जरूर बोले। He will feel happy and we will be free from our obligation. तो इसलिए किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है उसके उपकार को हम गंभीरता से लें और उसको चुकाने का gratitude express करने का हम पूरा यत्न करें। ये एक डिवाइन क्वालिटी है, इससे हमारी ह्यूमिलिटी प्रदर्शित होती है, हमारी विनम्रता बढ़ती है और विनम्रता भक्ति में प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। महाप्रभु ने बताया ना तक सुनी चेन तरो अमानी मान देने कीर्तनीय सदा। हम त्रिण से अधिक विनम्र रहे, ग्रेटिट्यूड विनम्रता का एक अंग है, सहनशील रहे वृक्ष के समान, सबका मान करें और स्वयं अमानी रहे, औरों से मान की अपेक्षा ना करें। इस मनस्थिति में हम सदा भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा इस कोट में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो देव ऋषि भूता अपने नाम, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम भगवान मुकुंद की शरण में जाएं, उनकी भक्ति बहुत अच्छी तरह से करें, 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, और प्रचार करें, सेवा करें, और अपनी डीलिंग्स में जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिन जो हम पर कोई उपकार करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, उसको हम एप्रिशिएट करें। ऐसा करने से वैष्णव का जो आपस में रिलेशनशिप है बहुत अच्छा बनेगा। दे विल फील हैप्पी, वी विल फील हैप्पी एंड कृष्णा विल आल्सो फील हैप्पी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर मैसेज दिए। एक तो मैं सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, हमें सभी के लिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और दूसरा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उससे बाकी जितने भी तरह के ऋण हैं उन सभी ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू।